आज मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल 5 से 7 मिनट में बनने वाली यूनिक रेसिपी। यूनिक कैसे है भाई? ये है मूली की जो पत्ते होते हैं ना, वहाँ पर ये फलियाँ उगती है, इसे सांगरी के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो सांगरी है ना, ये हमारे पेट के लिए रामबाण होती है। जैसे झाड़ू की सीख होती है, वैसे ही ये सांगरी होती है। जैसे झाड़ू जब हम धोते हैं पानी से तो वो कचरे को दूर कर देती है, ऐसे ही ये हमारे पेट के कचरे को दूर कर देती है। इन्हें धो करके आगे से पीछे से इस तरह से तोड़ लेंगे, और आगे जो थोड़ी थोड़ी ये है ना, इसे हम काट करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह से देखिए थोड़ी काली काली सी होती है, आप हाथ से भी तोड़ सकती हैं। और पीछे से थोड़ी थोड़ी सी लंबी लंबी होती है, उसे भी आप हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर चाकू से काट सकती हैं। ये जो प्लेट में है इसे हम कचरे में डाल देंगे, और ये जो है इसको हम काट लेंगे। काटे कितनी बड़ी, इसे आप बारीक बारीक भी काट सकती हैं, इसे आप थोड़ी बड़ी जो साइज है, देखिए मैं जितनी काट रही हूँ ना, इतना भी आप इसे काट सकते हैं। आपका मन है, आप इसे जैसे मर्जी काटना चाहे काट लें। अच्छा, ये ना कई तरीके से बनाई जाती है, जैसे सूखी बनाई जाती है, थोड़ी रेसे वाली बनाई जाती है। जो सूखी बनाते हैं ना, कई बार कईयों से ये थोड़ी कड़वी बन जाती है, कसेली सी बन जाती है, जिससे खाने को ना मन नहीं करता है। आज जो मैं तरीका बता रही हूँ, ये मतलब कसेली तो रहेगी नहीं, और इतनी डिलीशियस बनेगी, और बनेगी मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर। तो इसे हमने इस तरह से काट लिया, धो तो हमने पहले ही लिया था, बस ये तैयार है। इसको छोटा बड़ा जैसा काटना चाहिए वो आपकी मर्जी है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी ले लिया, और पानी के अंदर जब पानी में उबाल आए तब आप इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब आप कहेंगे इसमें तो सारा विटामिन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये राजस्थान की सब्ज़ी है, और हमारे यहाँ पर ना जो ये सब्ज़ी बनाई जाती है ये थोड़ी कसीली बनती है, जैसे मैंने कहा थोड़ी कड़वी टाइप में बन जाती है, तो बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ब्लांच करेंगे, जैसे हम पालक को ब्लांच करते हैं ना, ऐसे ही इसे हम थोड़ा सा ब्लांच करेंगे, यानी कि 1-2 बार इसे उबालेंगे तो इसका जो कसेलापन है वो निकल जाएगा, लेकिन प्रोटीन कहीं नहीं जाता है। अगर आप प्रोटीन के चक्कर में रहेंगे, ये कसेली लगेगी तो आपके घर में कोई खाएगा नहीं, है ना। हम ऐसा काम करते हैं जो कि अच्छी भी लगे और सारा घर वाले जो है खूब पसंद करके खाएं। इसे 1-2 उबाला लेंगे और इसे हम छान लेंगे। जब ये उबल जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर कसेलापन निकल जाता है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। बहुत पकने में ज़्यादा टाइम ये नहीं लगाती है, थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है तो 2 से 4 मिनट लग सकती है, नहीं तो 2 मिनट ही आप उबालेंगे, बस 2-4 उबाला लगाएंगे और ये एकदम तैयार हो जाएगी। उबलते पानी में डालिए और बस ये सीधा तैयार है। कई बार जैसे ये अभी हरी हरी है, कई बार क्या होता है ये थोड़ी पीली भी हो जाती है उबलते वक्त, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये रंग कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब ये देखिए पक गई है, अच्छे से हाथ लगा कर आप इस तरह से चेक करेंगे ना, एकदम पक चुकी है। हल्की सी कसर रही है, जो हम इसमें डालेंगे ना जब हम इसे बनाएंगे तो ये एकदम से बन जाएगी। बनाने में मात्र 5 से 7 मिनट जो मैंने कहा है, तो इसमें तो 2 से 3 मिनट चला गया, अब आप देखेंगे उसमें भी बहुत जल्दी से बन जाएगी। इसका मसाला बहुत ज़रूरी है कि इसको थोड़ा खट्टापन देना होता है, और इसमें जो है मसाला बनाने के लिए हम इसमें दही लेंगे। दही थोड़ा सा ताज़ा दही भी ले सकते हैं, हल्का सा खट्टा दही भी ले सकते हैं, ज़्यादा खट्टा नहीं, मामूली सा खट्टा दही भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने से क्या होगा, इसमें जो लम्स होंगे ना वो दूर हो जाएंगे। आधी से कम चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, मिर्ची आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है ताकि इसका जो रंग है, कलर जो है बहुत अच्छे से आए। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। इन्हें हम मिक्स कर देंगे। मसाले आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मसाला आप पहले भी बना करके रख सकते हैं, इससे क्या होता है मसाला फूल जाता है और जैसे ताज़े मसाले का फ्लेवर आता है ना वैसे आ जाता है। दही एकदम अच्छे से फिट गया है। अब इसमें लहसुन बहुत अच्छी लगती है खाने में, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। जो नमक हम सब्जी में डालते हैं ना, बस उसके अकॉर्डिंग डाल, अभी डाल दीजिए, बाद में नहीं डालना पड़ेगा। बस इसे लहसुन के साथ जब कूटते हैं तो लहसुन बड़ी आराम से कूट जाती है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बाजार का पेस्ट आता है, बना बनाया आता है ना, ऐसे आपको बन जाएगा, मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। कूट गया, अब ये हम पैन में हम तेल डालेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कमेंट करके, ये पैन कहाँ से लिया? तो मैं आपको बताऊं, ये पैन का जो तली है ना बहुत हैवी पैन है, और इसमें जब हम खाना बनाते हैं तो ये क्या है, जलता नहीं है और टेस्टी बनता है। जो खाना धीरे धीरे हम बनाते हैं उस खाने का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये पैन मैंने यूज में लिया, 4 से 6 लोग अगर आपके घर में है तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने पर जीरा डाला और साथ में डाल दी मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक काट करके।
ये जो पेन है अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये मुझे बड़ा फ़ायदेमंद लगा कि और जैसे हम कोई भी पेन वगैरह लेते हैं ना, तो उसका तली जो है बहुत कमज़ोर होती है। यहाँ पर इसकी जो तलेटी है, मैं हमेशा कहती हूँ ना भारी तले का बर्तन हमें लेना चाहिए, तो उसकी तलेटी बहुत मोटी है और 3 लेयर में है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं इसमें जो है खाना बनाती हूँ ना, मुझे बड़ा मतलब ये है कि जलता नहीं है खाना और बहुत स्वादिष्ट बनता है। जो खाना जलता नहीं है और धीरे धीरे पकता है, उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छे से आता है। 2 छोटी छोटी हरी मिर्ची थी वो डाल दी, लहसुन जो हमने कूटी थी वो हमने इसमें डाल दी। बस इसे हम 1 से 2 मिनट इसे हम चलाएंगे, चलाने से इसमें जो है लहसुन का फ्लेवर भी आ जाएगा, साथ में जो है हरी मिर्ची जो है वो भी थोड़ी सी भुन जाएगी। जब हमने प्याज हल्की सी ब्राउन हुई थी तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन। मसाले बहुत कम मसाले के साथ हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो इससे जो है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी जो है पेट के लिए भी बहुत बढ़िया रहती है। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल कम ज़्यादा मसाले आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो कम मसाले डालते हैं इसका रीज़न ये है, जब हम ये सांगरी की सब्जी बनाते हैं ना तो उसका जो फ्लेवर है वो उभर करके आता है। सांगरी को आप कच्ची भी खा सकते हैं, बड़ी तीखी तीखी सी ऐसी एक अलग सी इसमें खुशबू सी आती रहती है। अब जब प्याज पक जाए तब आप इसमें डालेंगे ये दही का जो हमने मसाला बना करके तैयार किया था। दही के मसाले से क्या होता है ना, आपको टमाटर डालने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ और खटाई डालने की ज़रूरत पड़ी। दही को डालने के बाद आपको लगातार, जैसे मैं चला रही हूँ ना, ऐसे आपको इस तरह से चलाना है जब तक इसमें उबाला ना आ जाए। जब ये इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा तो ये जो है फिर फटेगा नहीं और जो इसका मसाला जो है वो पक जाएगा, अच्छे से पकेगा। तो इसको जब तक चलाना है आपको, जब तक इसमें उबाला अच्छे से ना जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देख रहे हैं फटाफट से पक गया। कभी अचानक आपको सब्जी खाने का मन करे, सिर्फ सांगरी है आपके पास, तो ये सब्जी आप तुरंत बना लीजिए। इससे क्या होता है, पेट की जितनी गंदगी है ना ये साफ हो जाती है। आप इसको ना कच्ची भी खा लीजिएगा, जब आप रोटी वगैरह खाते हैं तो इसे सलाद के तौर पे भी इसे खा सकते हैं। मसाले से तेल अलग हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन का फ्लेवर, हरी मिर्ची है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आ रहा है। और सिंपल से मसाले के साथ जो हमारी यहाँ सांगरी की सब्जी बन रही है, उबली हुई सांगरी है, अच्छे से ये पक चुकी है एक तरह, तो मामूली सी 1-2% कच्ची है, बस इसे हम चलाएंगे। देख रहे कितनी हरी भरी है ये, और इसे हम इस तरह से चलाएंगे ताकि इसमें से एक एक जो सांगरी है इसके अंदर मसाला लपेट जाए, जो दही का मसाला है ना हमारा वो अच्छे से लिपट जाए। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखिए, ज़्यादा खट्टा दही लेंगे ना तो वो भी जो है हमारे शरीर को नुकसान करता है। कई लोग बिल्कुल खट्टी खट्टी दही हो जाती है तो उसका यूज ले लेते हैं। और हाँ, दही एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब ज़्यादा दही हम पतली लेते हैं ना तो भी वो जो है सेट नहीं बैठती है। तो आपके पास पतला दही है, छलनी में रख लीजिए थोड़ी देर, उसमें से पानी अलग हो जाएगा और फिर थिक दही जो होगा वो आप उसमें मसाले में डाल सकते हैं। कभी भी सब्जी बनाएं खट्टा दही ना लें। आप लोगों को ये जो मैं बातें बताती हूँ ना बहुत अच्छी लगती है कि आप बीच बीच में काम की बातें भी बताते रहते हैं। जी हाँ, जब कोई भी चीज़ आप बताएं तो बिल्कुल अच्छे से बताएंगे ना, तो क्या होता है जो नए हैं खाना बनाने में, कभी खाना उनका सही नहीं बनता है या फिर जब सांगरी की सब्जी बनाते हैं तो कड़वी बनती है, तो ये सारी डिटेल में बताने की जो बातें होती हैं ये बताना चाहिए। इससे क्या होता है आप लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे भी जो है ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा मिला है। यहाँ पर मैं गर्म पानी 1 कप के करीब गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ। कभी भी आप सब्जी बनाए ना तो उसमें ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म सब्जी बन रही है और आपने इस टाइम पर अगर ठंडा पानी डाल दिया, आप कहेंगे ठंडा पानी से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप एक बार ना ठंडे पानी से बना करके देखिएगा, उसका टेस्ट और जो उबला हुआ पानी होता है उसका टेस्ट में रात दिन का अंतर आएगा। जो कच्चा पानी डालते हैं ना पनीला सा टेस्ट आता है, जब हम उबला हुआ पानी डालते हैं तो कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। अब ये उबल रही है, उबलती में अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो कुकिंग प्रोसेस जो है इसका रुक जाएगा, और जो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, उबला हुआ पानी डालेंगे, तो इससे क्या होगा कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगा और बहुत बढ़िया से ये जो है अच्छे से टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे हम ठंडा गरम मसाला जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी, बहुत बढ़िया जो इसका स्वाद आने वाला है। यहाँ पर अब हमने बिल्कुल सिंपल, जब आप गैस बंद कर दें तब आप ये चीज़ें डालें और ये देखिए सब्जी एकदम बन के तैयार हो गई। आपको लगेगी थोड़ी सी लिक्विडी है, हमारे यहाँ पर थोड़ी लिक्विडी खाना पसंद करती हैं। आप थोड़ा सा हल्का रेसा चाहिए तो आप हल्का बना सकते हैं।
ये देखिए सब्जी कितने से तेल में हमने सब्जी बनाई थी, और ये सब्जी देखिए झटपट मात्र, अभी तो मेरे को थोड़ी वीडियो बनानी पड़ी तो आप लोगों के साथ मुझे बताना था, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, नहीं तो आप बनाएंगे ना ये मात्र झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी। एक चम्मच अगर खाएंगे ना आप कहेंगे मैं इसे ऐसे ही खा लूं, क्योंकि अब इसमें हल्का जो कसेलापन था वो रहा नहीं है। सुपर टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, ये लाइक मुझे मोटिवेशन करता है।